हेलो गाइस एंड वेलकम बैक सो अगर आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए बिकॉज उस पर मैं वीडियो अपलोड करना जल्दी ही स्टार्ट कर रही हूँ ऑल मैंने एक तो डाल भी दी है अगर आपने उसे अभी तक नहीं दिखाया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो प्लीज चेक इट आउट सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन अब कुछ लोग पूछेंगे कि दीदी दी आपने वाई हाइड्रामा क्या किया तो उसका अभी मैंने उसे स्टॉप नहीं किया है उसे मैं कंटिन्यू थोड़ा रखो यार सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन सो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड म्याओ म्याओ से दरअसल वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ इस होम टाउन में पहली बार शिफ्ट होकर आई थी इसके बाद वो अपना सारा सामान जमाने लगती है अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी यहाँ पर उसकी एक छोटी सी बहन भी है इसके बाद ये छत पर खेलने लगते हैं यहीं से हमारा मेन लीड लियांग रोज अपने स्कूल के लिए निकलता था आज भी ऐसा ही होता है वो अपने स्कूल के लिए निकलता है बाइक से खेलते खेलते अपना जो बमकिन है उसके सिर पर फेंक देती हैं तभी यहाँ पर म्याओ म्याओ तो छुप जाती है और वो सारा काम उसकी छोटी बहन संभाल लेती है तभी वो लियांग से सॉरी बोलती है कि आई एम सॉरी मुझसे वो गलती से गिर गया मैं तो वैसे यहाँ पर खेल रही थी तभी लियांग का ज़्यादा काइंड हार्टेड रहता है इसका तो वो उसे मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं और उसके बाद वो बमकिन को अपना हेलमेट समझकर कर पहन कर वहाँ से चला जाता है इसके बाद यहाँ से म्याओ म्याओ से नीचे से देख रही थी और कहती है कि यार कितना हॉट है यहीं पर बास्केटबॉल मैच हो रहा था तभी लियांग उसके पास से गुजरता है तभी यहाँ पर कोच उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो तभी लियांग कहता है कि अपने जर्सी नहीं लाया इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है पर तुम्हें खेलना तो पड़ेगा इसके बाद लियांग को चाहते हुए भी कोच के इंसिस्ट करने पर बास्केटबॉल खेलना पड़ता है उसके खेलते ही सारी लड़कियाँ पे जमा हो जाती हैं उसे चेरअप करने लगती हैं दरअसल वो स्कूल का बहुत ही पॉपुलर बंदा है सो पॉपुलर होने के बाद उसकी फैन गर्ल एंड फैन ब्रिज होना तो बनता ही है यहाँ पर सभी लड़कियाँ उसे चेरअप कर रही थी जब वो मैच खेलता है तो वो काफ़ी अच्छा प्लेयर तो तो रहता है ये यहीं पर उसे म्या म्या देख रही थी तभी यहाँ पर काई आ जाता है काई हमारे ड्रामे का सेकेंड मेन लीड है और उसकी लियांग से जरा भी नहीं बनती इन दोनों में हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहता है यहाँ पर काई कैप्टन रहता है और लियांग ने उसकी पोजीशन अभी ले ली थी क्योंकि वो लेट आया था तभी कोच उल्टा काई को ही डांटते हैं बिकॉज एक तो वो लेट आया ऊपर से धौस भी जमा रहा है लियांग से इस बात पर लड़ने लगता है कि तुमने मेरी जगह कैसे ली तभी लियांग उसे उसकी टी शर्ट उतार कर दे देता है और कहता है कि ले भाई पहन ले मैंने कहा पहनी यहाँ पे काई उस टी शर्ट को फेंक देता है और कहता है कि वो ये बास्केटबॉल टीम ही छोड़ रहा है उसे नहीं रहना यहाँ पर इसके बाद क्या था बेचारे की अबंडेंट हो जाती है लियांग तो वैसे भी

इसमें कोई दिक्कत नहीं है तभी म्या म्या ये बात सुनकर खुश जाती है और कहती है कि थैंक यू बट क्या मैं आपको कैसे लौटाऊंगी इसे सो so, इस पर लियांग कहता है कोई बात नहीं लौटाने की जरूरत नहीं है तो उसे रख भी सकती हो अगले दिन

जब वो क्लास से बाहर निकल दिए तो यहाँ पर लियांग अपने सिर पर कुछ टैबलेट सी कुछ रखने की कोशिश कर रहा था बट उससे बन नहीं रहा था इसके बाद मियाओं मियाँ उसकी हेल्प करती है और उसके सिर पर ढंग से रख देती है और ये सीन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज वो अपने

म्याओ म्याओ लियांग दिखता है इसके बाद उसे अमरेला वापस करने के लिए जाती है बट उसके बैग से उसकी छोटी बहन की डॉल निकलती है और क्योंकि उसकी बहन बहुत शरारती रहती है तो उसने ये सब रख दिया था तभी वो लियांग से सॉरी बोलती है और कहती है कि सॉरी ये गलती से आ गया मेरी बहन बहुत शरारती है सॉरी मैं अगली बार दे दूंगी तभी लियांग कहता है कि इट्स ओके जितना भी टाइम तुम्हें तो रखना है रख सकती हो उसके बाद दे देना म्यामियाओं का अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बनाता इसके बाद वो काफी उदास मोन में अपने स्कूल से वापस आ जाती है तभी वो कहती है कि काफ उसके बाद उसके बाद डोरीमोन का गैजेट होता तो फटाक से यहाँ पहुंच जाती है फटाक से वहाँ मांगना होता है उसे सब कुछ मिल जाता यही बलियांग डोरीमोन का एक गुब्बारा लेकर वहां से आ रहा था तभी वो कहता है की ये लो तुम्हारे लिए यहाँ पर म्यामियाओं को लगता है वो उसके लिए लाया है लेकिन दरअसल वो पीछे वाले छोटे से बच्चे के लिए लाया था तभी म्यामिया सोचती है की मैं भी क्या सोचती रहती हूँ मेरे लिए थोड़ी लाएगा कई-कई कला का की फैन बज रहता है यहाँ पर म्याऊं म्याऊं उसके खिलाफ एक कमेंट कर देती है इसके बाद उसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है तभी म्याऊं सोचती है कि यार कितना बवाल मचा हुआ है अब दैट जब अपने के बाहर खड़ी होती है क्योंकि उसे स्कूल जाना था यहीं पर लियांग उसके घर से के बाहर से निकलता है तो ये वो भी उसका पीछा करती है और वैसे वैसे ही फॉलो करती है सिकाई कर रहा था यहाँ पर वो भी उसकी तरह एक्शन करने की कोशिश करती है पर बेचारे गिरते गिरते बचती है म्याम की क्लास की एक लड़की शिन से काफी क्लोज था यहाँ पर वो आकर उसे ब्रेकफास्ट देता है इसके बाद उसे काफी बातें करता है ये दोनों साथ ही घूमते हैं तभी यहाँ पर म्यामिया का दिल टूटने सा लगता है उसे लगता है शायद दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं इतने क्लोज होने की क्या जरूरत है मैं टीचर की क्लास रहती है बट न्यू मैथ टीचर अभी तक आए भी नहीं थे इसके बाद यहाँ पर जो आर्ट वाली टीचर है वो इंटर कर जाते हैं और सभी को आर्ट बनाने के लिए कहते हैं लेकिन जब वो मियाँ म्यां की आर्ट देखते हैं तो एकदम बकवास थी और कहते हैं कि तुम इसमें काफ़ी पोहर हो एक काम करो इसे ट्राई मत करो इट्स ओके ऑल राइट इतने में ही मैट टीचर इंटर कर जाते हैं यहाँ पर शेन ये प्रे कर रही थी कि जो हमारी न्यू मैथ टीचर काफी क्यूट पर अपने टीचर को देखती है तो काफी क्यूट लग रहे थे माना तो पड़ेगा कि यही इस क्लास के मैट टीचर हैं कई दिन भर क्लास में सोता रहता है अगर उसे कोई डिस्टर्ब करे तो पर चला जाता है उससे काफी बात करने की कोशिश कर चुकी थी बट कोई पता काम नहीं आता इसके बाद उसे बात करने को भी तैयार नहीं होता काई म्याँ म्याँ की नोटबुक पर उसका नाम पढ़ लेता है और कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मेरे फैन पेज पर कमेंट किया था अगर मैंने सबको बता दिया कि तुम वही लड़की हो जो जो कि मेरे नाम पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रही थी फिर देखना तुम्हारा क्या होता है तभी म्यामियाओं इस बात से डर जाती है और कहती है कि प्लीज किसी को मत बताना तभी यहाँ पर काय का भी अच्छा काम लग गया था वो कहता है कि अब इसका फायदा लिया जाए इसके बाद वो कहता है ठीक अब हर बार मेरा मैथ का होमवर्क कॉपी पेस्ट करोगी ठीक है और ये तुम्हें रोज करना होगा बिना मेरे बोले तभी इसके बाद को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है है और कहती है कि जी सरकार जैसा आप कहें वैसा ही मैं करूंगी पर उसे पर इतना गुस्सा आता है कि एक तो ये बंदा मुझसे ढंग से बात नहीं करता और उसका काम भी करो इसका मुंह तोड़ने का मन करता है इसके बाद जब ने स्कूल से बाहर निकल दिए तो उसकी मॉ उसका वेट कर रही थी इसके बाद उसके बाल खींचकर उसे डेंटिस्ट के पास ले जाने लगते हैं क्योंकि म्यामियाओं के दांत काफी खराब रहते हैं तो वो मियामा को ब्रेस लगवाने के लिए फोर्स कर रही थी ताकि उसके दांत थोड़ी ठीक हो जाए ताकि तो थोड़ा दर्द होगा बट उसके दांत तो ठीक हो जाएंगे इसके बाद वो थोड़ी ब्यूटीफुल लगेगी लेकिन जब माओ महा पर डेंटिस्ट से बात करने लगती है तो वो इतना रास्ता पकड़ कर वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे ये सब नहीं करवाना था मियाँ म्याओं के लिए मैथ उल्लू को दिन में दिखने के बराबर था उसे मैथ घंटा भी समझ नहीं आती थी यही कुछ मेरे साथ भी था कि मेरी मैथ अभी तक सही नहीं हुई इसके बाद अभी हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर म्यामिया को टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं साथ में को भी पर म्याँ म्याँ को तो कुछ भी लिख नहीं पाती है, यहां पे काई आता है और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देता है है और कहता है, अब मैं जाकर सो तभी टीचर को क्या वो कहना ही पड़ता है कि हाँ भाई सो जा लेकिन वहीं म्यामिया खरीदे जाती है तभी टीचर कहते हैं कि इट्स ऑल राइट बस प्रैक्टिस करो म्यामिया कहती है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था बट मुझे आ क्यों नहीं रहा जैसा कि हम कहते हैं क्वेश्चन पेपर देखकर कि मैंने किया था पर आता क्यों नहीं म्या में अपने ग्रेड्स देखती है तो क्लास में सबसे लास्ट आई थी इसके बाद उसे काफी बुरा लगता है कि वो इतनी बुरी क्यों है स्टडीज में यहाँ पर लियांग उसे देख रहा होता है और उसे समझ में आता है 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 कि इसका इसका रिजल्ट अच्छा नहीं इसके बाद जब वो अपने घर पर जाती है, लेकिन उसका पर मन नहीं लगता इसके बाद वो लाइट हाउस की तरफ भागती है यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है इसके बाद वो लाइट हाउस में रुकने का सोचती है यहीं पर लियांग भी लाइट हाउस की तरफ ही आ रहा था इसके बाद जब अपने कागज खोलने की कोशिश करती है तो कागज उड़कर लियांग के मुँह पर चिपक जाते हैं तभी उसे सॉरी बोलती है यहाँ पर लियांग और माम मैं एक साथ बैठे होते हैं तभी यहाँ उसके ग्रेड्स देखता है और कहता है कि तुम मैथ्स में सिर्फ थर्टी वन मतलब तुम बिल्कुल

शेन गाय को काफी ज्यादा पसंद करती थी यहाँ पर वो गाय के लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आती है डम्पलिंग जो की उसकी मोम ने अभी भी बनाए थे। इसके बाद वो तो गाय को ऑफर करती है बट गाय नहीं खाता और कहता है कि तुम्हें सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद तो अपना टिफिन की तरफ म्याम देता है और कहता है कि इसे जल्दी से खा लो एंड इसे खत्म कर दो यार लेकिन म्याम कहती है कि लेकिन शेन उसकी तरफ इतना घूर कर देखती है कि ऐसे उसे खा जाएगी तो ये मियामा कहती है कि नहीं सॉरी ये तुम्हारे लिए आया ना तभी यहाँ पर गाय उसे धीरे से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दू तो ये मियामा जल्दी से टिफिन खोलकर खाने का स्टार्ट करती है बट उसे नहीं खाया जाता यार किसी और का टिफिन कैसे खा ले वो यहाँ पर शिन भी उसे देखी जा रही थी कि अगर इस लड़की ने खाया ना तो मैं सही में इसका गला दबा दूंगी

अपनी होमवर्क में से काय का होमवर्क करती है तो कैसे करेगी और लियांग में जंग छिड़ने जैसा हो जाता है जैसे ये दोनों हाथापाई बस पर उतर ही जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पर शिन कहती है कि तो कॉपी होमवर्क की तो कॉपी हो रहा था मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी एम सॉरी अब सभी अपने अपनी क्लास में चलते हैं सॉरी मैंने बवाल खड़ा किया इसके बाद सभी लकीली अपनी क्लास में चले जाते हैं मियाओ मिया और उसकी छोटी बहन को देखते हैं यहाँ पर वो कुछ कपड़ों को काट कर उसकी डोल के लिए कपड़े बना रही थी इतनी में जब उनकी मॉम देखती है और कहती है कि तभी मैं कहूँ कि मेरी कर्टेन दिन पर दिन छोटे क्यों होते जा रहे हैं क्योंकि तुम दोनों उन्हें फाड़ फाड़ कर यहाँ पर गुड़ियों के लिए कपड़े बना रही हो इसके बाद उन दोनों पर चिलाना स्टार्ट करती है यहीं पर उसकी छोटी बहन है उसकी माउ को कन्विंस करती है और मियां मियाँ पर्दे जोड़ना स्टार्ट कर देती है अगले दिन एग्जाम रहता है तो सभी लोग बस में बैठ एग्जाम देने के लिए जा रहे थे यहीं पर शेन के पास बैठने के लिए होती है पर शेन अपना बैग वाली सीट पर रख लेती है और मियाँ म्याओं को नहीं बैठने देती इसके बाद जब वो पेपर करने के लिए बैठती है तो वो देखती है की वो अपनी पेन के दरअसल बस में ही छोड़ाई अब वो सोचती है कि अब वो क्या करे बिना पेन के थोड़ी पेपर होगा यहीं पर म्याओ म्याओ काफी अच्छी तो रहती है वो उसे पेन ऑफर करती है और कहती है कि कोई बात नहीं तो मेरी ले लो और यहाँ पर अपनी पेंसिल भी आधी तोड़ कर उसे दे देती है इसके बाद उस लड़की को समझ में आ जाता है कि मे म्याओं काफी ज्यादा अच्छी है और बहुत ही ज्यादा हार्टेड है इसके बाद ये दोनों एक साथ सीट पर बैठ कर वापस आते हैं इन दोनों में फ्रेंडशिप काफी पक्की हो जाती है म्या मियाँ पहली बार उसे अपने घर पर ले जाती है यहाँ पर म्यामा की मोम देखती है कि मियाँ म्याम पहली बार किसी को अपने घर पर लाई है इसके बाद वो शिन का काफी अच्छे से स्वागत करती है क्योंकि शिन काफी ब्यूटीफुल थी तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि वो काफी ज्यादा सुंदर है शिन उसे मैच समझाती है तभी यहाँ पर म्यामा की कहती है कि काफी ज्यादा ट्रिकी है उसे समझ नहीं आया तभी शिन कहती है कौन सा वाला पार्ट तभी म्या कहती है कि सारा कुछ मुझे कुछ भी नहीं आया कहती है कि धत मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँ इतना दिमाग था मैंने उस तरीके से तुम्हें बता दिया तभी यहाँ पर लियांग के समझाए हुए पेज को लाती है जो कि उसने अच्छे से रैप करके रखा था तभी यहाँ पर मियाओ कहती है कि अच्छा तुमने लियांग का पेज संभाल कर रखा है तो उसे पसंद करती हो ना तभी मिया कहती है कि नहीं नहीं ये लियांग का नहीं है इसके बाद वो कहती है कि तुम चुप करो मैं उसकी कजिन हूँ और मैं उसकी हैंडराइटिंग अच्छे से जानती हूँ दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं मैं सब कुछ जानती हूँ ना मैं उसका नंबर दू वो तुम्हें अच्छे से समझा देगा हाँ ये सही रहेगा कि वो तुम्हारा टीचर बन जाए परफेक्ट ना यहाँ पर मैं थोड़ी हिचकिचाती है तो कहती है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होगा इस बात से तभी यहाँ पर शिन कहती है कि अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो करवा ही सकती हूँ अपने भाई से पूरी क्लास में से दो लोग ही मैथ्स में फेल हुए थे और उसमें से एक हमारी प्यारी मिया थी इसके बाद मैं टीचर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो यार कहते हैं कि ठीक है ज्यादा प्रेशर नहीं है तुम पर मैं तुम्हें

लियांग से बात करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरा एक एक काम कर दो मेरी फ्रेंड है बहुत ही अच्छी क्या तुम उसे मैथ पढ़ा सकते हो तभी लियांग उसके लिए मना करता है पर शेन उसे जैसे तैसे मना लेती है तभी यहाँ पर यांग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पर तुम्हें क्या समझ में नहीं आया तभी यहाँ पर वो कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया दरअसल बात यह है इसके बाद वो दोनों लाइट हाउस में पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लियांग से जितना हो पड़ता है वो उसे वैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करता है यहाँ पर म्याँ म्याँ भी पूरे दिलो जान से पढ़ना स्टार्ट करती है इसके बाद जब वो सब कुछ पढ़ा देता है खत्म कर, तो कर, तो कर फिर से रैप करके अपनी कब्ड में छुपा कर रख लेती है तभी उसकी मामू से डांटती है इतनी रात को कहाँ थी ये कहती है की मामू ट्यूशन पर थी तो उसकी माम कहती है अच्छा अब ट्यूशन टीचर का नंबर तो देना लेकिन उसके पास अभी तक लियां का नंबर नहीं होता और कहती है कि मोम वो उनका नंबर नहीं है मेरे पास तभी उसकी मॉम कहती है कि अच्छा तो मुझे उल्लू बना रही हो वो कहती है मॉम समझो तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है

मुझे अभी मेडिकल रूम जाने की जरूरत है इसके बाद वो यहाँ पर अपनी कॉफी गिरा देता है और यहाँ पर म्यामिया उसकी हेल्प करती, करती है और कहती है कि दरअसल लियांग को वॉमिट हो गई तो उसे हमें ले जाना चाहिए इसके बाद सच में लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है और उसे मेडिकल रूम ले जाया जाता है सभी लोग आर्ट क्लास में जाते हैं यहाँ पर सभी लोग जैसे पेंटिंग कर रहे थे तभी हम यहाँ पर लियांग को देखते हैं तो उसकी पेंटिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है यहाँ पर लियांग का बेस्ट फ्रेंड आता है और सभी की पेंटिंग देखने लगता है तो मजाक करना स्टार्ट करता है यहाँ पर वो सभी को बातों बातों में बता देता है की उसकी डॉल है तभी यहाँ पर में उसका मजाक उड़ाती है की तुम्हारी डॉल तुम अभी भी गुड़ियों से खेलते हो फिर वो सभी को बताती है कि देखो ये इंसान इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी डॉल से खेलता है और उसकी डॉल का नाम ले ली है इसके बाद सभी उस स्टार्ट कर देते हैं तभी वो बंदा भी गुस्से में आ जा जाता है और वो म्यामियाओं के दांतों का मजाक उड़ा देता है और कहता है कि तुम चुप रहो अपने पहले दांत देखो तब मेरा मजाक उड़ाना तभी उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए वो मजाक कर रही थी तो मजाक भी तो तुम कर सकते थे बट इतना बुरा नहीं इसके बाद वो वहां से चला जाता है तभी म्यामियाओं को ये बात दिल पर लग गई थी एक तो लियांग के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी इसके बाद वो खुद जाकर अपने मोम से कहती है कि मॉम ड्रेस बना दीजिए इसके बाद जब वो हॉस्पिटल जाती है तो यहाँ पर डेंटिस्ट कहते हैं कि थोड़े टाइम है पर फिर भी वो वेट करती है और कहती है कि मॉम मैं करवा सकती हूँ तभी उसकी मॉम कहती है कि इसे क्या हुआ शुरू क्लास में बुरी हुई होगी तभी इतना बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है तो से ब्रेस लग जाते हैं यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि दर्द हुए होंगे ना यहाँ पर म्याम दर्द के मारे करहा रही थी और कहती है कि सच में डेड बहुत दर्द हुआ ब्लीडिंग भी हुई यहाँ पर मुझे एनेस्थेटिक दिया गया पर मुझे फिर भी दर्द हुआ इसके बाद लियांगे साथ स्टडीज करने के लिए जाती है तभी लियांग उसे सवाल पूछता है तो सभी इशारों में जवाब देती है लियांग कहता है तुम ठीक तो ना तभी म्यामा कहती है कि उसे ब्रेज लगे हैं इसके बाद अपने दांत दिखाती है तभी लियांग कहता है कि कोई बात नहीं लेकिन तुम तो बोल सकती हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे ब्रेस लगे हैं इट्स ऑल राइट मैं समझ सकता हूँ चलो हम पढ़ाई स्टार्ट करें यहाँ पर इन दोनों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है आई होप जल्दी रीडिंग स्टार्ट हो सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट ही खत्म होता है तो so, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ तक के लिए बाय बाय